नेपालपुर के बनेड़िया में एशिया का सबसे बड़ा चावल की चूरी से बना मंडल विधान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका दीदार करने के लिए देश के कोने कोने से दिगंबर जैन समाज के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिगंबर जैन तीर्थ बनेड़िया में 8 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें चावल की चूरी को अलग अलग रंगों में मिलाकर रंगोली की तरह यंत्र के रूप में जमीन पर मंडल विधान बनाया गया, जिसमें शुद्ध चावल की चूरी को अलग अलग रंगों के माध्यम से मिलाया गया और उससे ये पूरा मंडल विधान बनाया गया। दिगंबर जैन समाज के अनुयायियों की माने तो एशिया का सबसे बड़ा मंडल विधान बनेड़िया के इस जैन तीर्थ में बनता है, जिसे देखने के लिए पूरे देश में कोने कोने से जैन धर्म के श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूरी फैमिली और ये मंडल जो मांडला जी बने हुए हैं चावल की चूरी से बना है, तो एशिया का सबसे बड़ा ये देखने लायक ऐतिहासिक चीज़ है और बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की। ये मंदिर उड़ के आया हुआ है, बहुत सुंदर, हमने देख के दर्शन करके ना हम भी भाव विभोर हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा। एशिया का सबसे बड़ा मंडल विधान है जो अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी देपालपुर जिला इंदौर में स्थित है। इस मंडल विधान को जो है इंदौर के ट्रस्टियों द्वारा जो है बनाया जाता है, लगभग 15 दिन के समय इसे बनाने में लगता है तथा यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी भावेश जी भैया जो ऊन से आते हैं प्रतिवर्ष, उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर पूजन पाठ का कार्यक्रम किया जाता है तथा देपालपुर जैन समाज और भी आसपास क्षेत्र के बनेड़िया उज्जैन इंदौर से भी ट्रस्टीगण आते हैं और सभी के सानिध्य में यह काम बहुत सुचारू रूप से किया जाता है। यह विधान जो है शुद्ध चावल की चूरी से बनाया जाता है, जो लगभग शायद एशिया में पहला ही ऐसा स्थान है जहां पर आज भी चावल की चूरी से ही जो है इसका निर्माण किया जाता है। बता दें कि इस मंदिर की खासियत है कि ये मंदिर ना तो किसी ने बनवाया था और न ही इस मंदिर की नींव है। ये मंदिर प्राचीन समय से सालों पहले आसमान के रास्ते से उड़कर आया था, तब से ये यहीं पर स्थापित है। दिगंबर जैन समाज का तीर्थ होने के कारण यहाँ पर दूर दूर से यात्री पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।